हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स नोट से 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो विभिन्न एम्स के द्वारा अलग अलग डेट पर किया जा रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए एम्स बठिंडा ने भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एम्स नोट सेट 2020 के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट है वो आधे या फिर यूँ कहें कि कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। ऐसे स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो एम्स बठिंडा ने जारी की है और कहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, उनको एक आखिरी मौका दिया जाता है, वो उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें ताकि आगे की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अपन डिस्कस करेंगे कि कब तक आप डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने लिख रखा है कि जो भी स्टूडेंट अपलोड करने से रह गए थे या फिर जिनके पास उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं था, वो अब 25 फरवरी 2021 से पहले पहले अपलोड कर सकते हैं। और उनको ये जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड नहीं किया था वो कहाँ भेजना है, इन्होंने recruitment@bathinda.gmail.com पर फ्रेंड्स भेज देना है, स्कैन करके आपको भेजना है ताकि क्लियरिटी और साफ दिखाई दे। अगर साफ दिखाई नहीं देगा तो हो सकता है वो रिजेक्ट भी कर दें। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, 25 फरवरी, आज 23 हो गई है, आप इसे ध्यान से रखना। 24 और 25 आपके पास 2 दिन और हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे उनकी लिस्ट भी उन्होंने दे रखी है, आप इसमें देख लें कहीं आपका नाम तो नहीं है, अगर आपने एम्स बठिंडा आपको अलॉट हुआ है तो कई फ्रेंड्स हैं उनको केवल कास्ट सर्टिफिकेट ही फ्रेंड्स लगाना है, कईयों को इसके अलावा जो डिग्री है, जो अपना सर्टिफिकेट मिलता है अपने वो डिग्री का, वो इंग्लिश वर्जन में लगाना है। इसके अलावा कई जो स्टूडेंट उनको NOC की रिक्रूटमेंट है, कईयों को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा कईयों ने एक्सपीरियंस नहीं लगाया था फ्रेंड्स 2 साल वाला। तो ये कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है, टोटल इसमें फ्रेंड्स 54 स्टूडेंट हैं। अगर आप में भी किसी का नाम इसके अंदर है तो आप इसे देख लें और अपनी जीमेल से या फिर कहीं भी ई मित्र की हेल्प से आप इसे सेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट फ्रेंड्स 25 फरवरी के बाद तत्काल प्रभाव से रिलीज़ कर दी जाएगी। हो सकता है 2 या 3 मार्च को इसकी डेट आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाले हैं। बाकी हमने आपको बता दिया था कि 20 मार्च तक सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में सभी जो एम्स हैं उनके डेट आ जाएंगे वेरिफिकेशन से। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट ने जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे उनको भी फ्रेंड्स पूरा करना पड़ता है। फिर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें तो मौका ही नहीं मिला, तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो एम्स करना नहीं चाहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।